अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार हॉट एंड सॉर सूप। आज मैं आपको हॉट एंड सॉर सूप बनाने का आसान सा तरीका बताती हूँ। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब हम डालेंगे लहसुन। लहसुन मैंने 3 से 4 जवे लिए हैं और उसको वो चॉप करके डाला है। अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन मैंने बोनलेस लिया है जो तकरीबन 250 ग्राम है। इसको मैंने छोटे टुकड़ों में कट करके रखा है। 2 मिनट के लिए चिकन को थोड़ा फ्राई करेंगे। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। नमक मैंने 1 टेबल स्पून लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर मैंने ऐड किया है। अब 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च भी डालेंगे। अब इनको मिक्स कर लें। अब बारी है सॉसेस ऐड करने की। सॉसेस में मैंने रेड चिली 1 टेबल स्पून डाला, सोया सॉस के मैंने 2 टेबल स्पून डाले और 1 टेबल स्पून आप विनेगर ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर भी ऐड किया है। अब सबको मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। अब हमें सूप के लिए चाहिए होगा पानी। पानी मैं 4 से 5 कप डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में अपनी चीज़ों को बढ़ा भी सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि हमारा चिकन भी अच्छे से पक जाए। अब मैंने कुछ वेजिटेबल्स भी इसमें ऐड करूंगी जो मैंने काट लिए हैं। मैं इसमें वेजिटेबल गाजर, शिमला और बंद गोभी ऐड करूंगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे गाजर। कॉर्न्स मैंने टेस्ट के लिए डाले हैं, अगर आप इसको स्केप करना चाहें तो भले आप कर भी सकते हैं। 1 शिमला मिर्च बारीक कट की ऐड करेंगे और बंद गोभी भी मैंने कट करके रखी थी, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और आखिर में फिर हम इसमें हरी प्याज ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 3 टेबल स्पून। मैंने कॉर्नफ्लावर का जो मिक्सचर बनाया है 2 टेबल स्पून अलग से पानी में घोल के रख लिया था। अब हम इसको अपने सूप में ऐड करेंगे। आहिस्ता से इसको चमचे की मदद से हिलाते रहेंगे। अब हम इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर कवर करके रख देंगे। अब मैंने अलग से प्याली में 1 अंडे को बीट करके अलग से रखा हुआ है और अब मैं इस सूप में ऐड करूँगी। और उसको बहुत ही आराम से मिक्स करेंगे। मज़ेदार सा हमारा हॉट एंड सॉर सूप रेडी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी लाजमी करें। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।